लौटा दिया। बार बार कंस राक्षसों को भेजता है, आज अक्रूर को भेजा है दूत बनाकर। अक्रूर जी मामा लगते हैं भगवान श्री कृष्ण के। आए हैं अक्रूर जी भगवान को लेने, क्योंकि कंस जिस भी राक्षस को भेजता वो वापिस ही नहीं आता था। अब घर का कोई व्यक्ति रात को देर तक बाहर रहे, अब फोन करोगे फोन नहीं मिलता, बोलना पड़ेगा। बेटे को भेजोगे वो भी नहीं आया, बहन को भेजोगे वो भी नहीं आई, तो लास्ट में तो खुद ही जाओगे, परेशान हो गया था। जिसको भी भेजता, अघासुर बकलासुर पूतना तृणावर सक्तासुर, कभी गधे बन के जाते, कभी अजगर बन के जाते, अनेकों रूप थक चुका था। अब सोचा ऐसी युक्ति करता हूँ, यही बुलाता हूँ। मल्ल युद्ध की तैयारी की है, सोचता है सामने मार दूं, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। बुरी सोच है, और बुरी सोच के लिए तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, खुद ही स्वतः ही विषय वासनाओं से प्रेम करना नहीं पड़ता, स्वतः ही हो जाता है। विषय वासनाओं की तरफ मन स्वतः ही चला जाता है। बताइए पैसे से कोई प्यार करना पड़ता है? सभी प्यार है पैसे से, या करना पड़ता है? विषय वासनाओं माया, संसार माया नहीं, मन माया है। सोच रहा है, लेकिन उसकी सोच का क्या फल परमात्मा देते हैं। अक्रूर जी के साथ गए हैं भगवान, सारे ब्रज में एक मातम सा छा गया। बाल ग्वाल बाल गोपी माँ यशोदा, ब्रज के वृक्ष पत्ते पत्तियां कलियां, धरती उपवन, पशु पक्षी गाय मृग मोर सब रो रहे हैं। क्यों? जैसे सुबह उठते ही सबका एक ध्येय होता है, लेकिन उनका तो 24 घंटे भगवान को देखने के सिवा कोई काम ही नहीं था, कोई लालसा ही नहीं थी, जिसके बगैर हम एक पल भी नहीं रह सकते। जब वो छोड़ के जाता है तो दिल को बड़ा दर्द होता है। रोते रोते भगवान सबको छोड़कर चले गए, एक आश्वासन दे के गए, आस के साथ किसी को छोड़ के गए, एक आश्वासन दे के गए, विश्वास दे के गए हैं। इंसान दूर चला जाता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि कुछ हमारे प्यारे प्यारे मर जाते हैं। इंसान मर सकता है, लेकिन भक्तों विश्वास को पैदा कीजिए। विश्वास को अगर पैदा किया, भगवान कहते हैं तुम्हारा और मेरा तो विश्वास का बंधन है, जन्म जन्मांतरों का ये बंधन है। अगर ये बंधन नहीं होता तो तुम ब्रज में नहीं आते, ना मैं ब्रज में आता। इसी बंधन के कारण हजारों वर्षों तक जिन ऋषियों ने तपस्या की है, दंडक वन के वो ऋषि गोपियां बन के आए हैं। मत्स्य कन्या, बाल कन्या, बहुत सी दैत्य कन्या जो भगवान को पाने के लिए अनेक जन्मांतरों से तपस्याएं कर रही थी, वो गोपियां बनकर ब्रज में आई है। तो भगवान कहते तुम्हारा तो जन्म जन्मांतर का मेरे साथ बंधन है, और आप भी एक ऐसा ही बंधन बांधिए। विश्वास रखिए, भगवान की भक्ति करो, मंदिरों में जाओ, कोई तीर्थ करो, कोई व्रत करो, कोई उपासना करो, किसी कथा में जाओ या कथा में बैठो तो विश्वास करो, विश्वास लेके बैठो। क्या करो? विश्वास करो। क्या करना पड़ेगा? बोलिए ना, करिए विश्वास, क्योंकि किसी ने कहा है इंसान मरा करता है विश्वास नहीं मरता है, नामुमकिन को भी मुमकिन विश्वास किया करता है। सपने सच हो जाते हैं, हर दुआ काम आती है, विश्वास की डोरी तो अपनों को भी खींच लाती है। बस कुछ भी करो, विश्वास मत तोड़ो। अनंत विश्वास ब्रजवासियों को है कि जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो, एक विश्वास के साथ परसों आ जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो आस देखे जाए, देखते देखते चले जाते हैं।
राधा, राधा शब्द, राधा के बारे में देखिए, मेरे पास शब्द नहीं, मैं नहीं बोल सकती, आपको ही बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। जिस राधे के बगैर भगवान आधे हैं, जिस राधे के बगैर भगवान आधे हैं, रा भक्त कह दे तो भगवान भक्त को पीछे लगा ले, और राधे कह दे तो भगवान उसके पीछे लग जाए। आइए करिए एक बार प्रार्थना, राधा रानी से करिए विनती। जिस राधा रानी को ब्रजवासियों को कह दिया है कि विश्वास रखना, लेकिन राधे को क्या कहे भगवान, हाथ जोड़ के यही कहता है, राधे मेरी विनती यही है, राधे रानी कृपा बरसाए रखना, ओ कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है, राधे रानी कृपा बरसाए रखना, कृपा राधा रानी बरसाए रखना, महारानी बरसाए रखना। मेरी विनती यही है, राधे रानी कृपा बरसाए रखना, बरसाए रखना। ओ राधा रानी तेरा ही सहारा ब्रज रानी,
कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी साए रखना, राधा 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 शब्द। अब आप भी देख सकते हो कितनी मस्ती है, कितनी भक्ति है, कितना प्यार है, किसी का मन नहीं करता। ब्रजवासियों को मैया यशोदा को तो ये कह के रोक आए कि विश्वास रखना मैं परसों आ जाऊंगा, बोलना पड़ेगा हमारा जो हमारे बारे में नहीं जानता, तो उसको हम कुछ भी कह के रोक सकते हैं, बहला सकते हैं, कोई भी विश्वास दे सकते हैं, लेकिन जो हृदय में बसता हो उसको क्या कहें, बोलना पड़ेगा हमारा। जब राधे ने रास्ता रोका तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधे आंखों में आंसू, राधे रो मत, तेरे ये आंसू मुझे करो मजबूर कमजोर बनाते हैं, तू रोती है तो मेरे कर्म पे मैं नहीं जा सकता। राधे तुम रोना मत, तुम मुझे कर्म पथ पर जाने दो। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधे क्या, राधे कहते क्या तुम मेरे बगैर रह पाओगे, तो भगवान कहते हम दो कहाँ हैं, बोलना पड़ेगा महाराज। राधे हम दो कहाँ हैं, तू मेरे पास है और मैं तेरे पास हूँ। राधा शब्द जो है वो प्यार है, राधा एक प्रेम की धारा है। तस्वीर तेरी नैनन में, तेरी याद रह गई दिल में, जब तू ही निकल गई तो क्या बचा है इस जीवन में।
ये जीवन ऐसा है जैसा टूटा दर्पण, जीवन भले ही टूटे राधा लेकिन ये प्यार ना टूटे। और ये प्यार है तो राधा और कृष्ण, अगर आपके घर में प्यार है, आपके मन में राधे कृष्ण शब्द है तो आपके जीवन में प्यार है। भगवान आज्ञा लेकर चले जाते हैं। कंस ने जिस युक्ति से मल्लयुद्ध की तैयारी की है, लेकिन वही करता वही करवाता है, वही जगाता वही सुलाता है, एक सांस भी हमारे बस की नहीं। जो करता है वही करता है, लेकिन कंस सोच रहा था कि वो यहाँ आएगा तो मैं उसको मारूंगा, लेकिन सोचने से क्या, खुद अपनी ही मौत की तैयारी कर रहा है। बोलना पड़ेगा हमारा। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है, भूख लगती है, अच्छी सब्जी रोटी जब सामने हो, अच्छा पकवान हो, तो एकदम से टपक पड़ते हैं बड़ा रस, क्योंकि भूख, मन में भूख लगी है, खाना है, ये भोजन खाएंगे तो शरीर को शांति मिलेगी। लेकिन क्या पता खाने के बाद आभास होगा कि ये भोजन सुख देगा या दुख देगा, सुख देगा या, बोलना पड़ेगा हमारा। ये तो वो जानता है कि कौन कब कौन सा रिश्ता हमें सुख दे सकता है, दुख दे सकता है। कंस ने तैयारी की, मल्लयुद्ध में चाणूर और मुष्टिक पहलवानों को बुलाया है। जब भगवान श्री कृष्ण में मथुरा में आए तो हर कोई उत्सुक है, आ गया पुतना को मारने वाला, गोवर्धन को उठाने वाला, क्योंकि चर्चे तो दूर दूर होते थे, लेकिन आजकल तो हम फेसबुक पर जो भी बोलते हैं उसी को मान लेते हैं कि अच्छा आदमी है बुरा आदमी है। बोलना पड़ेगा महाराज। लेकिन फूलों में सुगंध लाने के लिए कोई इत्र नहीं छिड़का जाता। बोलना पड़ेगा महाराज। पब्लिसिटी की बजाय अगर तुम कर्म करो तो वो कर्म सुगंध बनकर व्यक्तियों के हृदय में तेरे प्रति प्यार पैदा कर सकते, तेरी बड़ाई। अरे सूर्य अपना प्रमाण कब देता है? सूर्य कब अपनी बड़ाई करता है? हाँ, प्रकाशित होकर सारे संसार को प्रकाश में करने जैसा जो कर्म करता है, तो सारा जग सूर्य भगवान को सबसे ज्यादा तेज और प्रकाशित मानता है। कर्म, आपके कर्म आपको प्रकाशित करेंगे। कंस ने मना किया, उसका कोई स्वागत नहीं करेगा, लेकिन दिल में भाव है, कोई कब तक रोके? दिल में मचे तूफान को कोई कब तक रोक सकता है? स्वागत किया है, घर की अटालियों पर खड़े होकर क्वालिया पेड़ हाथी को मारा, दर्जी को आशीर्वाद, धोबी को दंड देते हुए कुब्जा जो कई जन्मों से भगवान से अनंत प्रेम करती थी, आपका काम है प्रेम हृदय में पैदा हो गया तो करना, क्या बोलना पड़ेगा? लेकिन जरूरी नहीं आप उस प्रेम को प्रकट करो तभी वो माने, आप करिए परमात्मा आपको अवसर देगा। कुब्जा को अवसर दिया है, जब भगवान राम बन के आए, कुब्जा अत्यंत सुंदर स्त्री थी, राम जी से अनंत प्रेम करती थी, राम जी ने जीवन में वचन लिया था कि मैं एक ही पत्नी को जीवन में स्थान दूंगा, कभी कह नहीं पाई। एक दिन कहा तो सीता ने श्राप दिया तू कुबड़ी हो जा, तो कुब्जा ने कहा जो सुंदरी थी, अत्यंत सुंदरी थी, माँ मेरा इसमें क्या दोष, प्रेम का अंकुर तो किसी भी हृदय में पैदा हो सकता है, मैंने तो अपनी भाव प्रकट किए हैं। तो उसी माँ ने कहा जा अगले जन्म में तेरी ये भावना पूर्ण होगी, कुब्जा जो कई जगह से कुबड़ी है। भगवान ने ऐसा आलिंगन किया, बाहों में भर लिया, कुब्जा भगवान में समा गई, भगवान कुब्जा में समा गई, और उस कुबड़ी को भगवान ने अपना स्पर्श देकर, प्यार देकर एक सुंदर स्त्री का रूप दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। चाण और मुष्टिक पहलवानों का उद्धार करते हुए, कंस को उसकी करनी का दंड देते हुए भगवान ने कंस का उद्धार किया है। बोलिए कंस मर्दन भगवान के। अपने माता पिता को कारावास से निकाला है, राजा उग्रसेन को बंदी गृह से छुड़ाकर राज सिंहासन पर बिठाया है। 11 वर्ष के भगवान संदीपन ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए हैं, गुरु की आवश्यकता। जब भगवान जन्म लेके आए तो उसको भी हुई है। पानी के बगैर नदी बेकार है, सगे संबंधी ना हो तो जीवन बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो सारा जीवन ही बेकार है।